नमस्ते, मैं हूं पंकज गुप्ता। सलाम जिंदगी की इस सीरीज में हम आपको ऐसे लोगों की कहानियों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। तो चलिए सलाम जिंदगी के इस सफर में मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है सुधीर कुमार। सुधीर कुमार बिहार के झौवाली गांव में जन्मे। पढ़ाई करके आर्मी में जाने का अपना सपना पूरा करने के लिए वो बचपन में ही घर से भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग काउंसलिंग की डिग्री हासिल की। सुधीर आज कराटे और किक बॉक्सिंग में सेकेंड डन ब्लैक बेल्ट हैं। वो एक सफल मार्शल आर्ट कोच के साथ साथ एक नेशनल लेवल के रेफरी और जज भी हैं। सुधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है सलाम जिंदगी। थैंक यू सो मच पंकज। तो शुरू करते हैं। तो सुधीर, आप ये बताओ कि आपने अपना घर कब छोड़ा? मैं अपना घर 1997 में छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ जी। क्यों छोड़ा था? एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे गांव में जो पावरफुल लोग थे वो हर समय कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते थे और काफ़ी बार उनकी लड़ाइयाँ झगड़ा होता था, लड़ाई हो जाता था, झगड़े हो जाते थे, तो वो सब मैं देखता था। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे ऐसे लोगों की मदद कर सकूं जो कमज़ोर है। एक बार सेना हमारे देश में आया था, आर्मी, इंडियन आर्मी। ओके। मैंने उनको देखा, लोग बाग उनके बारे में बताते थे कि ये हमारे देश की सेवा करते हैं और हमारे देश की एनिमी से लड़ते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों पे दूसरों के ऊपर जुर्म ढाते हैं या ऐसे लोगों से ये निपटते हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं मुझे बनना चाहिए कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूं और अपने देश की भी सेवा कर सकूं। तो वहाँ से मुझे है कि यार मैं आर्मी बनूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो स्कूल जा नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ते नहीं थे? पढ़ते नहीं था, पढ़ता नहीं था, मतलब स्कूल नहीं जाता था मैं। एक घर में था कि घर के पास था कि ट्यूशन पढ़ता था मैं, कोई था मेरे रिलेटिव में जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। बट माहौल ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल जा सकता था, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढने की कोशिश करता था कि काश मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे या कहीं से भगवान मुझे भेज दे अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी ड्रीम को पूरा कर सकूं, आर्मी में जाने का ड्रीम, आर्मी में जाने की। ओके। कुछ दिन बाद हुआ कि मेरे एक फ्रेंड्स गांव आए। अच्छा। और उनके साथ उनके एक दोस्त भी आए, वो मेरे पहले दोस्त हुआ करते थे बचपन में। जब वो आया तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे सलाम बालक ट्रस्ट के बारे में बताया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं सलाम बालक ट्रस्ट में पढ़ता हूँ। ओके। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये सलाम बालक ट्रस्ट में पढ़ता है, शायद मैं भी पढ़ सकता हूँ। ओके। अपनी ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ पढ़ने के बाद, क्योंकि बिना एजुकेशन के तो इंडियन आर्मी जब ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैंने उनके दोस्त से बात की। अच्छा। तो उनके दोस्त ने कहा हाँ जा सकता है। उन्हें कैसे? उन्होंने मुझे सलाम बालक ट्रस्ट का एड्रेस दिया। अच्छा। कि आप जा सकते हो। तो एक मैंने उनसे बात किया कि जिस दिन आप जाओगे ना, आप अविनाश को मत बताना। ओके। कि मैं आप लोग के साथ आ रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब आप निकलोगे तो आपको मैं फॉलो करूंगा। ओके। तो जैसे वो निकला उनको हमने फॉलो किया, जिस ट्रेन में वो लोग बैठा उसी ट्रेन में हम लोग बैठ गए, ट्रेन में चढ़ गए, चढ़ गए, फिर आगे, फिर दिल्ली आए, दिल्ली पहुंचे। तो जब मैं दिल्ली आया तो मेरे लिए एक अलग ही दुनिया, ऐसी दुनिया की मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। तो छोटे बच्चे मिल गए, मैं वहां देखा एक छोटा बच्चा ना बोतल को कलेक्ट कर रहा था, खाली बोतल पानी, खाली बोतल पानी करता ना, उसको कलेक्ट कर रहा था, बोरी में डाल रहा था। ओके। तो मैंने उसको बोला यार एक चीज बताओ, मुझे आप बता सकते हो कि सलाम बालक ट्रस्ट कहाँ है? अच्छा, उससे पूछा? हाँ, उससे पूछा। okay. हाँ हाँ बता सकता हूँ मैं। कह रहे कि तुम जाना चाहते हो? हाँ यार मुझे जाना है। तो उसने मुझे रास्ता बताया कि यहाँ से ऐसे करके गली में जाना सलाम बालक ट्रस्ट होगा, चांदी वाली गली पूछ लेना। अच्छा। जैसे वो ऑफिस में गए उन्होंने सवाल पे सवाल शुरू कर दिए, कैसे आए तुम, कहाँ से आए तुम, क्यों आए तुम, सारी चीज मैंने उसको बताया। मैं गांव से आया हूँ,
क्यों आया, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो अच्छा, सब चीज पूछने के बाद उसको लगा कि ये बच्चा सच में भाग करके आया, उनको बिलीव हो गया। ओके। एक हफ्ते बाद मेरे शायद पेरेंट्स से फोन पे बात हुई। अच्छा। मेरे बड़े भाई और पापा जो था वो सलाम बालक ट्रस्ट में आ गए थे मुझे ढूंढते हुए। अच्छा। मुझे समझाया कि घर चले चलो चल लो। वो कोशिश थे कि मैं वापस आ जाओ, आप चले जाओ गांव चला जाऊं, क्योंकि गांव में मेरे अलावा कोई और टेक केयर करने वाला, जो मवेशी थे मेरे और छोटे भाई बहन थे उनको करने वाला कोई नहीं था। तो उनकी कोशिश था कि ये घर वापस चले जाए। तो एक दो बार स्टाफ भी बोला कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप आए चले जाओ, मुझे नहीं जाना। मतलब एक ही शब्द निकलता था, मुझे नहीं जाना। और रीजन ये था कि यहाँ पे मैं कुछ बन सकता हूँ, कुछ बन सकता था। जब गांव में वो चीज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था। एजुकेशन वहाँ अच्छा देखा मैंने वहाँ रह करके कुछ दिन में, कि बहुत अच्छा डिसिप्लिन था वहाँ पे। टाइम को उठाना, टाइम पे बच्चे उठते थे, टाइम पे ब्रेकफास्ट मिलता था, बहुत हेल्दी फूड्स मिलते थे, फिर दोपहर में उनका खाने का टाइम, शेड्यूल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मुझे लगता है तीन महीने बाद फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गांव में ऑलरेडी पढ़ता था, तो मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं डिसिप्लिन फॉलो करता था, टाइम पे पढ़ता था मैं, टाइम पे खुद ही उठ जाता था मैं। तो उनको लगा कि बच्चा कुछ कर सकता है। ओके। स्टाफ तो मेरे एडमिशन स्कूल में डाल दिया, तो मेरा एडमिशन फर्स्ट क्लास स्कूल में करा। अच्छा। फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई करा। और सबसे अच्छी बात की जब मैं स्कूल ज्वाइन किया तो दिन बाद कराटे क्लास भी ज्वाइन कर लिया। मैं कि मुझे आर्मी में जाना है, तो मैं कहीं से फेलियर नहीं बनना चाहता, कि मुझे कोई भी चीज रिस्ट्रिक्शन ना आए कि मैं आर्मी में ना जा पाऊँ, कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। फिर दसवीं किया, दसवीं के साथ मैंने ब्लैक बेल्ट भी क्लियर कर लिया। अच्छा। तो दसवीं में क्या हुआ, मैंने कहा कि मुझे आर्मी बनना है, तो अब मुझे आर्मी की लिए प्रोसेस में डालने कैसे क्या कर सकते हैं। मैंने पता किया सब कुछ, तो मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता था। क्यों? एक तो मेरा हाइट। अच्छा। थोड़ा मुझे ईयर प्रॉब्लम भी थी इंटरनल कुछ। अच्छा। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं आर्मी लाइक नहीं हूँ, जा नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रेस हो गया। अच्छा। बहुत दुखी हो गया था, मैं फूट रोया, होपलेस भी हो गया था। अच्छा। मेरे कोच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुधीर एक अच्छा कोच बन सकता है। अच्छा, कोच ने कहा था? कोच ने कहा था। okay. तो न्यूज़पेपर में भी छपा था, मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो कोच बन सकता हूँ, चलो आर्मी भी बन सकता हूँ, तो मैं कोच बन सकता हूँ। एक दूसरा रास्ता खुल गया। अच्छा, तो मेरी जर्नी वहीं से। फिर आप सिखाने लग गया। तो फिर आप बाहर भी सिखाते थे? जब मैंने वहां स्टार्ट किया तो फिर मेरे कोच ने मुझे असिस्टेंट में, अपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। हाँ, वो असिस्टेंट में मुझे रख लिया। अच्छा। तो वो कई स्कूल्स में वो मुझे भेज देते थे सिखाने के लिए। अच्छा। सुधीर, आप मार्शल आर्ट कोच हो, बच्चों को सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, बहुत सफल हो आप अपने फील्ड में, तो ये सफलता कैसे मिली? मैं ऑलरेडी कराटे में बहुत एक्सपर्ट था, मैं अच्छा खेलता था, कई बार नेशनल खेला, स्टेट खेला, इंटरनेशनल खेला। Okay. तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया सलाम वाला, आप हमारे बच्चे को सिखाए, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्या अलग से हार्ड वर्क करना पड़ा, क्या जो पहले सीख लिया था वही काम आया? वही काम। अच्छा। वही ट्रेनिंग जो मैंने किया था, ट्रेनिंग किया था, वही मेरे काम आया। लेकिन अभी भी तो उस पर काम तो करना पड़ता होगा। हम लोग को ट्रेनिंग में रहना पड़ता है, प्रैक्टिस खुद का भी करना पड़ता है, ताकि हम बच्चों को करा सके अच्छे से। सुधीर, आपका आपके काम को लेकर के फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी जैसे कि मेरे साथ 200 करीब बच्चे सलाम बालक से जुड़े हुए हैं, मैं जिनको मैं सिखाता हूँ, 150-200 बच्चे। तो और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट में नहीं जा पाते हैं फंड की वजह से, पैसे की वजह से, क्योंकि ये एक्सपेंसिव गेम है, हर जगह पैसे देना पड़ता है, आप इवेंट खेलो पैसे देना पड़ता है। तो कभी कभी मैंने ऐसे अपने एनजीओ में भी फेस किया कि हमारे पास कभी डोनेशन नहीं होता है, तो 10 बच्चे की जगह 2 बच्चे खेल पाते हैं। तो मुझे ऐसी जगह, ऐसे बच्चे और भी सोसाइटीज में हैं जो मार्शल आर्ट खेलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, उनके पास फंड नहीं है। तो मैं फ्यूचर में चाहता हूँ
कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा फेडरेशन एसोसिएशन कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करूँ या बनाऊँ ताकि ऐसे बच्चों को मार्शल आर्ट में जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जहाँ खेलना चाहते खेलें, जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। तो ये एक मेरा एक ड्रीम है कि मैं फुलफिल कैसे करूँ, उनकी भी काम कर वैसे होप्सो कि ये मेरा ये जो सेकेंड ड्रीम है ये मेरा पूरा हो सकता। बिल्कुल 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 पूरा होगा। सलाम बालक में आए, पढ़ाई की आपने, आर्मी का सपना लेके आए थे, आर्मी नहीं हो पाई लेकिन आपने पढ़ाई की, आपने कराटे सीखा, आपने अभी आप इतना अच्छे से अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सलाम बालक आपकी नजर में क्या मायने रखता है? मुझे लगता है अगर सलाम बालक नहीं होता और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता तो मैं एक गांव में एक किसान का लड़का और शायद खेतों में काम कर रहा होता। अच्छा। सलाम बालक प्रेस की वजह से आज मैं नेशनल जज हूँ कराटे और किक बॉक्सिंग में। नेशनल जज हूँ मैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट किया है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग वो किया है मैंने। अब मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, स्पोर्ट्स की और भी ज़्यादा नॉलेज ले रहा हूँ ताकि मैं अपने सलाम बालक के बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बेनिफिट दे सकूँ, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। तो सलाम बालक ट्रस्ट मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, शायद मैं उनके बिना अपनी लाइफ को यहाँ नहीं देख सकता। जो आपकी वाइफ हैं उनसे कहाँ मिलना हुआ, कैसे मिलना हुआ, और उसके बारे में बताइए। मैं फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ से 2010 में मिला था, उड़ीसा में एक कराटे का नेशनल चैंपियन थी। अच्छा। तो हमारा एक स्टेट से एक टीम बन के गया था जिसमें मैं सीनियर बन के गया था, वहाँ सीनियर पोजीशन था मेरा। ओके। कि वहाँ पे जाकर के टीम को देखना है और ओके शूटिंग वगैरह। तो आप उड़ीसा गए थे? उड़ीसा गया था। तो वहाँ मुलाकात हुई? हाँ, तो उस टीम में वो आई थी कराटे खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए। जिस तरह आपका बचपन बहुत मुश्किल भरा रहा, ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी सड़क पर हम देख सकते हैं, है ना, या रेलवे स्टेशन पे हैं, फुटपाथ पे हैं। इस तरह के बच्चों को जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए हमारी गवर्नमेंट को या हमारी सोसाइटी को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी बनाना चाहिए या हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर के काम करना चाहिए ताकि जो इस तरह का बच्चे जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रहे हैं ऐसे बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट करके एक इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन बना सके, ताकि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाया, आज बहुत सारे बच्चों को भी हेल्प कर रहा हूँ मैं सिखाने में, समझाने में। ये जो कोरोना पैंडमिक चल रहा है काफ़ी लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है ये, और इसने सबको कुछ ना कुछ सिखाया है हम सबको। तो आपने पर्सनल लेवल पे कुछ सीखा है इस टाइम से? मैंने ये सीखा है कि दुनिया में प्यार से भरा और कोई चीज नहीं है। आप किसी को प्यार दे सकते हो जितना, कमी मत करो। जो आप किसी जितना सपोर्ट कर सकते हो दूसरे का आप करिए, क्योंकि ये जिंदगी परमानेंट नहीं है। जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम पे उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे वो कितनी बड़ी हो, तो आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं? मैं दूसरों को यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें और उस पर काम करें, एक अपना एम बनाएं और कैसे आप एम को अचीव करेंगे उसके जितने भी पहलू है उन पे ध्यान देना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो हॉपलेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, सोचना जरूर है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा। आपके अपने आसपास वाले से बात करना चाहिए, जहाँ तक आपकी पहुँच है मुझे लगता है वहाँ तक आपको जाना चाहिए और अपनी जो सोच है उनके सामने पर रखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है।
तो मुझे लगता है करने वाले लोगों के लिए ना इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है या होगा जो ऐसे लोगों को हेल्प कर देता है। सुधीर, ऐसी क्या चीज है आपकी लाइफ में जिसको लेके आपको बहुत ग्रेटफुल फील होता है? बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से कि एक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों को सिखाता हूँ मैं, जब वो बच्चे से मैं बात करता हूँ तो जब उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करता हूँ, बात करके सिखाता हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वो जो मोमेंट होता है मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल होता है। ऐसा लगता है कि यार सच में मैं लकी हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ। और मैंने कई सारे जो मार्शल आर्ट फील्ड में है, दो बच्चों को मैंने ब्लैक बेल्ट भी बनाया है, एक बच्चा अभी मार्शल आर्ट फील्ड में काम भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। आपने ट्रेन किया उसे? हाँ, मैंने उसको ट्रेन किया था, आज वो जॉब भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी ले रहा है, जॉब भी कर रहा है। एक बच्चा है जो ब्लैक बेल्ट है, वो बीपीएड कर रहा है, स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ये कर पा रहा हूँ। वाओ, ग्रेट। सुधीर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में सुधीर कुमार। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सलाम जिंदगी के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सलाम।